हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आओ सुंदर सा कॉर्नर रंगोली बनाना सीखेंगे। सिंपल सा कुछ कलर कॉम्बिनेशन करना है और कुछ फूल बनाना है। तो राउंड बनाने से बेटर है थोड़ा सा इस प्रकार के कर्व देंगे लाइन को और उसमें 3-4 कलर भरेंगे और आउटलाइन में कुछ सिंपल सा फूल बनाएंगे और वो फूल को दोनों तरफ थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये कॉर्नर रंगोली बन जाएगा। सिंपल सा कोई भी छोटे मोटा ओकेजन में बना सकते हैं हम। और इसमें खास करके ये सीखेंगे कि जो कलर कॉम्बिनेशन या कलर ब्लेंड करना सीखेंगे इसमें, मतलब कलर ब्लेंड आसानी से कैसे करते हैं। इसके लिए हमें दो प्रकार के छन्नी यूज करना है, जो आप देख रहे हैं स्टील का है और एक प्लास्टिक का है। तो ये जो स्टील का छन्नी है ये जल्दी जो रंगोली है वो जल्दी गिरता है। तो ये जो दो कलर है दो कलर को इसी छन्नी से यूज करना है और जब दो कलर को 50-50 लेके जो कलर ब्लेंड करना है वो प्लास्टिक के छन्नी में लेना है, क्योंकि प्लास्टिक के छन्नी थोड़ा सा स्लो गिरता है। तो इससे क्या होता है, जो हम जब कलर फिल करते हैं तो वो प्रॉपरली सभी जगह आसानी से फैल जाता है। तो ये दो छन्नी यूज करके हम एकदम आसानी से कलर को ब्लेंड कर सकते हैं और एकदम सुंदर दिखेगा और वो शेड दिखेगा बढ़िया सा। तो यहाँ पर वही है, देखो ये जो छन्नी है ये जल्दी से रंगोली गिरता है। तो ये दो कलर को दोनों साइड में फिल करना है और जब बीच में जो कलर बनाना है 50-50 लेके, तब ये प्लास्टिक का छन्नी यूज करना है। देखिए कितना 3 स्टेप में कलर ब्लेंड हो गया। तो ये सुंदर सा हम कलर ब्लेंड कर सकते हैं दो छन्नी के सहायता से। और जब हम काम पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा रहता है और बाद में वो जो पीछे का जो वर्क है वो करने में तकलीफ होता है, इसलिए पहले से हमारा जो वर्क है वो प्री प्लान होना चाहिए। हमें स्केच होना चाहिए हमारे पास कि हमें क्या बनाना है, कहाँ पे कौन सा कलर भरना है और वो पूरा करते हुए आगे आना है। हालांकि समय पे चेंज कर सकते हैं इसको। चलिए आपने एक लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर लास्ट में एक पिंक का शेड देंगे। पिंक के साथ जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर को ब्लेंड करेंगे। तो पिंक और जो ब्लू कलर है दोनों तरफ ये कलर देंगे और बीच में जो पिंक और ब्लू दोनों को मिलाना है, हाथ में मिलाएंगे और उसी में ही फिल करेंगे। तो ये काफी जल्दी वर्क होता है। और जो हमें कटोरी वगैरह जो इसमें कलर बनाते हैं उसके भी जरूरत नहीं होता है। तो ये सुंदर सा 3-4 कलर हम यहाँ पर ब्लेंड किए। आप चाहे तो अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और जब इसको आउटलाइन देंगे तो ये डायरेक्ट व्हाइट रंगोली से आउटलाइन ना देते हुए इस प्रकार डॉट डॉट देंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो रंगोली का अट्रैक्शन है वो ज्यादा बढ़ता है जो डॉट सिस्टम है। अब बचा लास्ट में कुछ फूल बनाना है, इसका जो बॉर्डर है उसके लिए हमने 3 कलर यूज करेंगे, येलो, ऑरेंज और ब्लू। तो ये ब्लू भी इस प्रकार स्टील की जो छन्नी इससे फिल करेंगी तो ये जल्दी होता है एकदम फास्ट। और एक फनेल है, चाड़ी है, इसके द्वारा हम डॉट बनाते हैं। ये भी काफ़ी असरदार होता है, काफ़ी जल्दी डॉट बनता है। और लास्ट में जो येलो के ऊपर थोड़ा सा रेड के डॉट देंगे और उस प्रकार के फनेल के सहायता से डिज़ाइन बनाएंगे फूल के। और जहाँ तक हमें जगह है वहाँ तक के थोड़े फूल को एक्सटेंशन करना है और लास्ट में भी थोड़ा सा डिज़ाइन देना है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।